गौतम गंभीर ने विराट कोहली को लगाई फटकार, इस कारण उठाए कप्तानी पर सवाल। नमस्कार दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में भारत को मेहमानों के हाथों 8 विकेट से हार मिली। इस मैच में भारत की ओर से एक बदलाव हुआ और सूर्य कुमार यादव की जगह टीम में रोहित शर्मा की वापसी हुई। हालांकि भारत के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर कप्तान विराट कोहली के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है कि सूर्य कुमार यादव को केवल एक मैच में ही मौका मिला और साथ ही उन्हें बिना बल्लेबाजी के अगले ही मैच में टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। गौतम ने एक निजी वेब पोर्टल से बात करते हुए कहा, मुझे बहुत हैरानी हुई है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने 7 महीने पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दी है और शायद वर्ल्ड कप के बाद वो एक और वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुट जाए। अब किस तरह की फॉर्म में है वो बहुत मायने रखता है। मान लीजिए कोई चोट आ जाती है तो आपने सूर्य कुमार यादव को जो देखा है वो आप शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में ना देख पाए। आशा है कि किसी को कोई भी समस्या ना हो, लेकिन चौथे और पांचवे नंबर के लिए कोई ना कोई विकल्प चाहिए। मान लीजिए श्रेयस अय्यर के रिप्लेसमेंट के तौर पर ही आप किसके पास जाएंगे। गंभीर ने आगे बात करते हुए कहा कि कम से कम उन्हें 3-4 मैचों में मौका दें और देखें कि वो क्या कर सकते हैं। अगर उन्होंने उस नंबर पर अच्छी बल्लेबाजी कर ली तो आने वाले मैचों में वो चौथे नंबर के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।